वैसे तो दोस्तों हम बहुत सारे सेटअप बॉक्स आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा सेटअप बॉक्स लेके आए हैं। इस सेटअप बॉक्स में दोस्तों सभी टीवी चैनल जिंदगी भर फ्री चलते हैं। वहीं पे अगर आपके सेटअप बॉक्स में HD चैनलों पे आवाज़ नहीं आती है तो आप इस सेटअप बॉक्स को लगा लेते हैं तो आवाज़ भी आएगी। बहुत ही सस्ता है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। साथ ही साथ हम अपने कुछ सब्सक्राइबरों के लिए कुछ एक गिफ्ट भी लेके आए हैं। दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से 10 लोगों को, 10 लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को हम देंगे फुल HD ये बिल्कुल नया वाला सेटअप बॉक्स। कंपनी की तरफ से दोस्तों आप लोगों को देने के लिए इतने सारे सेटअप बॉक्स हमारे पास आ चुके हैं। अब दोस्तों आपको ये सेटअप बॉक्स कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। वहीं पे इस वीडियो को आपको शुरू से लेके आखिर तक ध्यान से देखना होगा, और इसी वीडियो के अंदर एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, उस सवाल का भी जवाब आपको देना है। बात करें दोस्तों आपको, आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस घंटी वाले निशान को भी ऑल पे क्लिक कर देना है। बात करें दोस्तों इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है और नीचे आके सवाल का जवाब देना है। नाइस, वेरी नाइस, और जो भी आपका कहना चाहे वो आप हमसे कह सकते हैं। सेटअप बॉक्स कैश ऑन डिलीवरी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट दोस्तों हम आपको बता दें, इसके साथ एक वाईफाई डोंगल भी मिल जाता है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन वाईफाई डोंगल आपको ये देखने को मिलता है। सेटअप बॉक्स के लुक की बात करें दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं स्मार्ट जोन लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये ओरिजिनल स्मार्ट जोन सेटअप बॉक्स है और ये बॉक्स दोस्तों मेटल बॉडी में है और काफ़ी बेहतरीन दोस्तों ये सेटअप बॉक्स देखने में लगता है और है भी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, और आप भी वादा ये कीजिए कि आपको भी ये वीडियो पूरी देखनी है, ध्यान से देखनी है, एक एक बारीकी को इसको समझना है। इसमें ऐसे ही सी बातें बताएंगे जो कि आपको कहीं और नहीं सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा, हमारे सवाल का भी जवाब जरूर दीजिएगा, और ले जाइएगा दोस्तों हमारे YouTube चैनल की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में एक सेटअप बॉक्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्मार्ट जोन डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर है ये, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। दोस्तों इसका लुक जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्मार्ट जोन डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर फुल HD आपको इसमें TV चैनल देखने को मिलते हैं। YouTube आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों, हॉटस्टार है, MPEG-4 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वाईफाई 2 USB आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, 3G प्लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, IPTV इस बॉक्स में है, 4K अल्ट्रा ये HD है सेटअप बॉक्स। सेटअप बॉक्स का लुक ये नहीं है, मेटल बॉडी में सेटअप बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल मेन फीचर्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे MRP नहीं दिया हुआ है इस सेटअप बॉक्स में। तो दोस्तों हम करते हैं अब सेटअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग के लिए यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं, और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस सेटअप बॉक्स में ये देखिए वाईफाई एक डोंगल मिला है, एक बॉक्स है दोस्तों इसे भी साइड में रखते हैं, ऑडियो वीडियो केबल, एक पावर एडाप्टर, प्लस दोस्तों एक आपको रिमोट देखने को मिलता है। अब दोस्तों सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं स्काई मैक्स इस पावर एडाप्टर पे लिखा हुआ है, और उसके बाद से जो पावर एडाप्टर है ये स्काई मैक्स कंपनी का है, और इसका जो ये पिन है कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों इसके रिमोट की बात करें, इसका रिमोट दोस्तों ये अच्छा वाला रिमोट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाला रिमोट है दोस्तों, और इस रिमोट की खासियत ये है दोस्तों कि इस रिमोट में आपको मल्टी बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, प्लस दोस्तों यहाँ पे पेंसिल सेल लगता है, काफ़ी अच्छा रिमोट ये आप लोगों को देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें दोस्तों इसके वाईफाई डोंगल की, वाईफाई डोंगल दोस्तों ये वाला है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला वाईफाई डोंगल, आप लोग देख सकते हैं ये वाला वाईफाई डोंगल है, प्लस
आपको इस वाईफाई डोंगल में बहुत सारी मतलब दूर भी अपने मोबाइल को रखोगे तो भी कवर करेगा। ऑडियो वीडियो केबल की बात करें दोस्तों, ऑडियो वीडियो केबल आप लोग देख सकते हैं, ये वाला ऑडियो वीडियो केबल है और अच्छा ऑडियो वीडियो केबल है। आपको इसके लिए एक HDMI अगर आपके पास डब्बा TV है तो आपको ऑडियो वीडियो से काम चल जाएगा, वरना दोस्तों आपको एक लेना पड़ेगा दोस्तों बेहतरीन HDMI केबल अगर आपके पास, ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसे निकाला। आगे का लुक दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है DVB91, एक आपको USB का हब देखने को मिल जाता है, ये IR सेंसर है, प्लस ये बटन्स हैं अप एंड डाउन चैनल्स के, ये पावर का बटन है दोस्तों। DVB-S2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो बॉक्स का यहाँ पे वारंटी सील आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, प्लस दोस्तों बॉक्स मेटल बॉडी में है, काफ़ी बेहतरीन ये बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इस बॉक्स के बैक साइड में आपको एक LNB इन का ऑप्शन, USB का ऑप्शन, HDMI का पोर्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। प्लस दोस्तों आपको इसी बॉक्स में आपको एक ऑडियो वीडियो और SPDIF का पोर्ट और पावर इन का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो चुका है, बूट लोगो है दोस्तों DVS2, मॉडल नंबर है 888 Full HD, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव इसका बूट लोगो भी है। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं स्टार प्लस ऑन हो चुका है, वाईफाई का सिंबल भी आ चुका है। अब ये बस कुछ एक पल लेगा ऑन होने के बाद कनेक्ट होने में वाईफाई से, और उसके बाद से दोस्तों ये TV चैनल हमारे पास प्ले हो जाएगा। हालांकि अभी आप देख सकते हैं स्क्रैम्बल लिखा हुआ है और अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, रिमोट का कुछ भी नहीं दाबने वाला हूं, और यहां पे दोस्तों देखने वाला हूं कि ये कितने टाइम में ये ऑन होता है। हालांकि दोस्तों ये सेटअप बॉक्स देखो ऑन हो चुका, आप लोगों ने देखा ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों सभी के सभी TV चैनल आपको यहाँ पे इस बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा बॉक्स है। अब दोस्तों इसके ये जो चैनल चल रहे हैं ये सेटअप बॉक्स में एक साल के लिए आते हैं, एक साल के बाद आप इसका जो वैलिडिटी है इसको बढ़वा सकते हैं। इसमें अगर आपको HD TV चैनल देखने हैं और आपके पास अगर कोई सेटअप बॉक्स है जिसमें HD TV चैनल है, चलते हैं, आवाज़ नहीं आते हैं, तो दोस्तों इस बॉक्स में को अगर आप लगा लेते हैं तो आपके HD चैनलों की आवाज़ भी आती है और बहुत कुछ आता है। तो दोस्तों हम इसे एग्जिट करते हैं, इसका इन्फो बार आप लोग देख सकते हैं, इन्फो इसका कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा इसका इन्फो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करें दोस्तों इसकी मेनू की, मेनू फंक्शन दोस्तों कुछ इस प्रकार का है, वेरी अट्रैक्टिव इसका मेनू फंक्शन है। वहीं पे एंटीना सेटिंग आपको इस बॉक्स में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंटीना सेटिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छा, काफ़ी लुक लाइक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि एकदम नया मॉडिफाई ये सेटअप बॉक्स है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 59 से ज़्यादा आपको सैटेलाइटें इस बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। इसे एग्जिट करते हैं दोस्तों, उसके बाद से हम आपको दिखाते हैं मोटर सेटिंग सैटेलाइट लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं सभी सैटेलाइटों की एक निश्चित लिस्ट है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। TP लिस्ट है दोस्तों, TP लिस्ट में दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी TP डालनी है जिसमें दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे KU बैंड की कोई भी TP ले लेनी है, यहाँ पे आपको ग्रीन बटन रिमोट से दाबना है। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लो हम DD फिल्स की ये वाली TP डालते हैं और एंटीना सेट करना है मुझे, तो 11090 डाल के नीचे वर्टिकल डाल के नीचे आपको 29000 डाल के ओके कर देना है, इसका सिग्नल वाला आ जाएगा ऑप्शन नीचे, और उसके बाद एंटीना आप यहां पे सेट कर लेंगे। अब बात करें दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छा इसका सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, 6605 NK का इसमें कार्ड लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और एकदम ओरिजिनल है V1 NK, और इतना पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा इसकी पिक्चर क्वालिटी दोस्तों यहाँ पे धुंधली आ रही है, अगर ऐसी पिक्चर क्वालिटी आ रही है आपके पास तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है दोस्तों, ऑडियो वीडियो सेटिंग में आना है, और इसको दोस्तों ऊपर वाले को आपको यहाँ पे आना है और 60Hz कर देना है। ये देखिए 60Hz करेंगे, हमारे पास पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो गई है, यानी कि अच्छा हो गया है। OSD में दोस्तों इसे हम
ये कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ जो हमारा मीनू है डार्क भी हो गया है और अच्छा भी हो गया है। और यहीं पे दोस्तों आपको नेटवर्क सेटिंग में है दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना नहीं आता तो ये भी यहाँ पे सीख लो। ग्रीन वाला बटन रिमोट से दाबना है, यहाँ पे आपके डिवाइस को ये सर्च कर लेगा। मेरा डिवाइस ऊपर वाला लगा हुआ है और ये यहाँ पे आपको आना है, ओके करना है। और उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड NA पे आना है, ओके करना है। यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड हो XYZ जो भी पासवर्ड हो उसको डाल के फिर येलो वाले रिमोट के बटन से ओके कर देना है। और ओके होने के बाद दोस्तों ये सेव करना है आपको। और उसके बाद से कुछ देर ऊपर आपको गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद से जैसे रियलमी के आगे आपको टिक नज़र आ रहा है वैसे आपको टिक का निशान आ जाएगा। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने वाईफाई से कनेक्ट करना तो यहाँ पे सीख ही लिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए आप लोग, ये टीवी चैनल्स हैं। यहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव में रखी हुई वीडियोस को भी देख सकते हैं इस सेटअप बॉक्स के माध्यम से। सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आपको कभी नहीं जाना है, नहीं करना है, नहीं तो आपके पास जो ये चैनल एक साल के लिए मिले हैं वो आपके चैनल बंद हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। यूट्यूब में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब अगर नहीं चलता है तो उसकी भी सेटिंग बताते हैं। यूट्यूब चल जाता है तो इसकी भी तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे यूट्यूब आपको वन क्लिक में इस सेटअप बॉक्स में ऑन हो जाता है। यूट्यूब की कोई भी वीडियो आपको दोस्तों यहाँ पे नहीं रुकने वाली है, यानी कि बहुत सारी ऐसी वीडियो होती नहीं एक्सेप्ट करते हैं सेटअप बॉक्स में, इसमें सारी की सारी वीडियो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से यूट्यूब की देख सकते हो वन क्लिक में। काफ़ी अच्छा ये सेटअप बॉक्स है दोस्तों और काफ़ी बेहतरीन है। कुछ देर तक ऐसे आपके नेटवर्क की स्पीड के ऊपर है, कुछ देर तक ऐसे गोल गोल घूमेगा और उसके बाद से आपका जो वाईफाई जो वीडियो है वो चलने लगेगा। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं येलो वाला मैं बटन दाबता हूँ, येलो वाले बटन में आप देख सकते हैं ऑल पे है ये। हम अगर इंडिया करना चाहें तो इंडिया भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इंडिया कर लीजिए तो इंडिया की वीडियोज आपको यहाँ पर यूट्यूब में देखने को मिलेगी। यहाँ पे ओके करते हैं, बाकी सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ओके करना है, सेव करना है और फिर एग्जिट करना है, फिर आ जाना है इसमें और तुरंत ये ले लेगा सब कुछ। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन सारे के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए आप लोग, ये मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यूट्यूब इसमें बहुत ही फर्स्ट क्लास चलता है, एकदम झरझरा के चलता है, यूँ समझ लो YouTube के लिए बहुत ही बेस्ट है। प्लस इसमें चैनल्स आप इसमें देख सकते हो, चैनल्स के लिए भी फर्स्ट क्लास है। अब देखो हमारे वहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वेट कर रहा है, ये लोड लेता है, उसके बाद से ये चलने लगता है। तो ये तो रही दोस्तों, ये देखो ये तो रही बात, एग्जिट मैंने कर दिया। यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर डेली मोशन है, डेली मोशन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं डेली मोशन हमारे पास चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि सेटअप बॉक्स में डेली मोशन भी चलना जरूरी है। ये देख सकते हैं आप लोग हमारे पास डेली मोशन है और डेली मोशन भी हमारे पास बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो दोस्तों इससे कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है सेटअप बॉक्स में, अपग्रेड बाय नेट से भी नहीं करना है इसे। और यहाँ से दोस्तों हम इसको बैक करते हैं, बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं IPTV में। IPTV आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी IPTV है, यहाँ पर आप ओके करके इस चीज़ को यहाँ पर डाउनलोड फाइल करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रहा है, कुछ एक मूवीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। खैर दोस्तों ये आपको कुछ देर ऐसे छोड़ देना है, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ IPTV में देखने को मिल जाती हैं। तो IPTV भी दोस्तों इस सेटअप बॉक्स में बड़ा फर्स्ट क्लास चलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई, TV चैनल भी मैंने दिखाया यहाँ पे। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फाइल्स हैं और ये देखिए आप लोग लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो लैंग्वेज तो इंडियन होगा नहीं, किसी भी सेटअप बॉक्स में इंडियन होता नहीं है। तो दोस्तों ये सेटअप बॉक्स बहुत ही फर्स्ट क्लास है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं ये आपको कोड डालना है 6605, आपका शेयरिंग वाला ऑप्शन सबसे नीचे खुलेगा। देखो केबल का ऑप्शन यहाँ पे सबसे नीचे खुल गया है, यहाँ पे कोड पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे कोड को आराम से देख सकते हैं और चला सकते हैं। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है। ये देखिए यहाँ पे रेड ट्यूब भी ऑन हो गया है, रेड ट्यूब भी अगर आपको देखना है तो रेड ट्यूब भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे रेड ट्यूब भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं चला के दिखाने वाला हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं
यहाँ पे दूसरी चीज़ें चलती हैं। तो 6605 कोड डालते ही आपको 18 प्लस वाले जो भी कंटेंट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सेटअप बॉक्स बहुत ही बढ़िया है और आज तक का सबसे अच्छा सेटअप बॉक्स हमें ये लगा। आपको ये सेटअप बॉक्स अगर परचेज करना है, इसके लिए हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके इसे खरीद सकते हैं। प्लस दोस्तों इस सेटअप बॉक्स को आप कैश ऑन डिलीवरी भी खरीद सकते हैं। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो आप हमें पैसा दीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमसे कैश ऑन डिलीवरी भी इस सेटअप बॉक्स को ले सकते हैं। ऐसा सेटअप बॉक्स आपको दोस्तों कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा जिसमें सारे के सारे ऐप काम कर रहे हैं, प्लस सारे के सारे टीवी चैनलों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे टीवी चैनलों को देख लो, थोड़ा देर ये स्क्रैम्बल दिखाएगा और देखो ये चलने लगा चैनल। तो दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे चैनल चलते हैं, प्लस डीडी फ्रीडीस वाले पूरे चैनल आपको चलते हैं। अगर एचडी चैनलों में प्रॉब्लम आती है दोस्तों तो आप एचडी चैनल भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ दोस्तों किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।